नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेंगे गणित मंथन कक्षा 8 से अभ्यास 1B का हल। तो बच्चों, 1B का हल करने से पहले आपको कुछ प्रगुणों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो कि प्रगुण हैं योग के प्रगुण, यानी कि परिमेय संख्याओं में योग के क्या क्या प्रगुण हैं, इन प्रगुणों का प्रयोग हम अभ्यास में करेंगे। तो 3 प्रगुण आपको पढ़ने हैं इसमें। पहला है संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विन्मेय प्रगुण और तीसरा है सहचर प्रगुण। आइए थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं, प्रगुण क्या है, इसके बाद हम अभ्यास पर चलेंगे। तो 3 प्रगुण हैं परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। तो बच्चों, 3 प्रगुण यहाँ हमें देखना है। पहला है संवरक प्रगुण, दूसरा क्रम विन्मेय प्रगुण और तीसरा है सहचर प्रगुण। तो स्टेप बाय स्टेप हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संवरक प्रगुण क्या होता है, अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को लें और उनको जोड़ दें तो जो योगफल प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो इस प्रगुण को हम कहते हैं परिमेय संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण। उदाहरण के तौर पर यदि 2 संख्याएं आप ले लेते हैं, P/Q एक परिमेय संख्या है और R/S एक परिमेय संख्या है, यदि इन्हें जोड़ दें और योगफल M/N या कुछ अन्य प्राप्त हो जाए तो यह भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। यह क्या है, संवरक प्रगुण है और ये सदैव आपको प्राप्त होगी कि जब भी आप 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होगी। छोटा सा उदाहरण, आप जानते हैं कि 1 भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी एक परिमेय संख्या है, जब इन्हें आप जोड़ते हैं तो 3/2 मिल जाता है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, यह आपका संवरक प्रगुण हो गया। जो सेकंड प्रगुण है वह क्या है, क्रम विन्मेय प्रगुण, यानी कि यदि हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं A और B हैं, इन्हें जोड़ते हैं और जोड़ने के उपरांत यदि हम इनके क्रम को परिवर्तित कर दें, क्रम को बदल दें, तो क्रम को बदलने के बाद भी योगफल अपरिवर्तित रहता है, यानी कि योगफल में कोई भी बदलाव नहीं आता है। जैसे अगर हमने A और B 2 परिमेय संख्याएं ले ली हैं तो A+B का जो योगफल प्राप्त होगा वही योगफल B+A का भी प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर यदि हमने 1/2 और 1/3 ले लिया है तो इनका योगफल 1/3 + 1/2 के बराबर होगा। आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों का योगफल आप जोड़ेंगे, यहाँ पर 3+2 और यहाँ पर 2+3/6 यानी 5/6 तो आप देख रहे हैं कि A+B = B+A आ गया, यानी कि यही क्या है, क्रम विन्मेय प्रगुण है। तो इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्याओं में योग जो है, जो योगफल की संक्रिया है, वह क्रम विन्मेय प्रगुण का पालन करती है। इसी प्रकार सहचर प्रगुण है। सहचर प्रगुण में क्या होता है, आप 2 की बजाय 3 संख्याएं लेते हैं और उनका क्रम परिवर्तित करते हैं, या ये कहें कि उनके एक समूह का क्रम परिवर्तित करते हैं, तो परिवर्तन के पश्चात भी योगफल अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण के लिए यदि A+B+C, जहाँ A, B, C तीनों क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और इनका हम ग्रुप बना दें, तो A+B+C या फिर A+B+C या फिर A+C+B, इन तीनों का योगफल क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो हम छोटी संख्या लेते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया, 0 ले लिया और 2 ले लिया, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, हमने पूर्णांक लिया है और पूर्णांक भी परिमेय होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इन्हें फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, भिन्न में भी ले सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने छोटा सा संख्या ले लिया है, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए, इनका यदि आप ग्रुप बनाते हैं, आप ग्रुप बना के चेक कर सकते हैं, 1+0+2 और 1+2+0, ये सभी सेम आने वाले हैं, ये भी 3 मिलेगा आपको, ये भी 3 मिलेगा और ये भी 3 मिलेगा। तो इसका मतलब A+B+C = A+B+C = A+C+B, तो ये तीनों क्या है, आपस में बराबर होंगे, यानी कि परिमेय संख्याओं में योग संक्रिया में सहचर नियम का पालन होता है। तो बच्चों, यह नियम आप ध्यान रखेंगे, अब इन नियमों के आधार पर हम अभ्यास 1B को हल करेंगे। तो आइए हम उसका सलूशन देखते हैं। तो बच्चों, अभ्यास 1A में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वह है, निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो यहाँ आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं,
उनमें से आपको सत्य या असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो बारी बारी से हम चेक करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है -4/5 -4/5 = -8/5। तो क्या बच्चों यह ट्रू है या फॉल्स है? तो यह क्या होगा, सत्य होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के हाथ क्या है, समान है। जब इनका योगफल करेंगे तो अंशों को हम सीधे सीधे जोड़ देंगे, यानी कि -4 + -4 क्या मिलेगा, -8, और हर में क्या आ जाएगा, 5। तो ये आपका -8/5 क्या हो गया, ये सत्य। तो इस प्रकार से दूसरा है -6/7 + 6, परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों आप जानते हैं कि -6/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऋणात्मक या धनात्मक दोनों हो सकती है। तो यह भी एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है। और अभी आपने समरक नियम पढ़ा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है, और यहाँ पर दिया गया है परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब यह क्या हो गया, असत्य। आइए थर्ड पॉइंट देखें। तो थर्ड पॉइंट दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है का मतलब क्रम विनिमय नियम। तो अभी आपको बताया गया जो सेकंड नियम बताया गया हुआ था क्रम विनिमय नियम, कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर योगफल सदैव परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, या उनका क्रम बदलने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको थर्ड में बताया गया कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर तथा उनका क्रम बदलने पर योगफल बराबर ही प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह भी आपका सत्य हो गया। इसके बाद चौथा है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो बच्चों परिमेय संख्याएं दो लें, तीन लें या चार लें, कितनी भी परिमेय संख्याएं लें, सभी को यदि आप जोड़ते हैं तो योगफल सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, यह आपने पढ़ चुका है। तो यह जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि नहीं होता है, इसलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें दो कथन सत्य हो रहे हैं और दो कथन असत्य हो रहे हैं, और किस प्रकार से यह सत्य असत्य हैं सबकी व्याख्या आपने देखी। अब आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन है वह था कि निम्न परिमेय संख्याओं को जोड़ करके बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो यहाँ आपको दो परिमेय संख्याएं दिए हैं, पहले पार्ट में -3/4 और 3, और दूसरे पार्ट में -1 और -2/3। तो इन दोनों को जोड़ना है और बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। इसी प्रकार वही काम आपको यहाँ भी करना है। तो मैं कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ और दूसरा आप स्वयं कर लेंगे। तो यहाँ पर -3/4 और +3 को आपको जोड़ना है, 3 को आप 3/1 कर सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। अब दोनों के हर क्या हो गए, 4 और 1, आपको लसा लेना पड़ेगा। तो 4 और 1 का लसा क्या हो जाता है, 4, और यहाँ पर आपको मिलेगा -3 + 3/4 = 12। अब क्या करेंगे, एक संख्या धनात्मक है एक संख्या ऋणात्मक है, तो सदैव आप घटाना करते हैं। 12 में से 3 आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और 9/4 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि अंश क्या है, बड़ा है हर से, तो आप इसको भाग दे करके मिश्र भिन्न में बदल देंगे। जब आप भाग देंगे भागफल 2 प्राप्त होगा, शेष 1 होगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी 2 सही 1/4 इसका हल हो जाएगा। इसी प्रकार से यह भी क्वेश्चन आप स्वयं से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप स्वयं कर लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो है वह है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। यहाँ आपको 3 भाग दिए गए हैं प्रश्न में। पहले भाग में -5/8 + -9/13 है = -9/13 + -5/8। यह दिया हुआ है, आपको करना क्या है कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल करेंगे और यह सत्यापित करेंगे कि जो मान बाएं पक्ष से प्राप्त हुआ वही मान आपको दाएं पक्ष से भी प्राप्त होगा। तो आइए हम इसे हल करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे, बायां पक्ष, या इसे आप LHS लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो बायां पक्ष हमारा -5/8 + -9/13,
तो यहाँ बच्चों हमें क्या करना है, दोनों के हर असमान है तो हम क्या करेंगे, इनका लसा लेंगे। 13 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 13 और 8 का लसा 104। जब 104 में 8 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 13 मिलेगा, और 13 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, 5 में। तो 13 5 का 13 बचे 65, और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है, आप भी ऋणात्मक लगा दें, और प्लस गुणे माइनस क्या हो जाता है, माइनस। अब क्या करना है, 104 में 13 से भाग देंगे तो आपको 8 मिलेगा, 13 8 104, 8 गुणे 9 8 नवा 72, 72 प्राप्त होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो जब दो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं तो उन्हें आप सदैव योग करते हैं। तो यहाँ पर आपका 5 + 2 = 7 और 6 + 7 = 13, 137 माइनस में अपॉन 104, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। यही बगल में आप क्या कर सकते हैं, दायां पक्ष को भी हल कर दीजिए। दायां पक्ष क्या प्राप्त होता है, इसे आप क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड या RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने देखा, और राइट हैंड साइड में देखते हैं -9/13, संख्याएं वही हैं और हल भी वही प्राप्त होने वाला है। काम आपको वही करना है, 13 और 8 का लसा फिर से 104 आएगा, 13 में 104 में 13 से डिवाइड करेंगे 8 मिलेगा, 8 × 9 = 72, और माइनस फिर 104 में 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, 13 × 5 = 65। तो जैसे बच्चों आपने लसा 104 लिया, 104 कैसे होता है, 13 × 8, जब 104 में 13 से डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त होगा 8, और जब 104 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 13 प्राप्त होगा। तो यहाँ जब हमने 104 में 13 से भाग दिया तो 8 प्राप्त हुआ, और इस 8 का गुणा कहाँ हो गया, 9 में, 8 × 9 = 72। फिर से हमने 104 में 8 से भाग दिया तो 13 प्राप्त होगा, और 13 × 5 = 65, ठीक है, संख्याएँ वही हैं, 72 और 65, तो योग भी वही मिलेगा, -137/104। बच्चों आपने देखा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो यह सत्यापित हो गया। तो आप लिख सकते हैं, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो इस प्रकार बच्चों यह आपका सत्यापित हुआ, जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हल करने पर बराबर मान प्राप्त हुए। इसी प्रकार से इसके दो भाग और हैं जिसे आप स्वयं करेंगे, यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में बताएंगे तो उसका सलूशन फिर से मैं आपको दे सकता हूं। तो बच्चों आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, वह है यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएँ हों और ए प्लस बी का मान दिया गया है, यदि ए प्लस बी -15/11 के बराबर है तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी आपको क्रम निर्मेय नियम बताया गया, जिसमें आपने जाना कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों तो उनका क्रम परिवर्तित करने पर भी योगफल परिवर्तित नहीं होता, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का मान वही प्राप्त होता है। तो ए प्लस बी का जो मान है वही क्या हो जाएगा, बी प्लस ए का मान हो जाएगा। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, यदि ए तथा बी परिमेय संख्याएं हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और यह किस नियम से होता है, क्रम विनिमेय नियम से। तो क्रम विनिमेय नियम से ए प्लस बी की वैल्यू बी प्लस ए के बराबर है, और ए प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है -15/11, तो -15/11 किसके इक्वल हो जाएगा, बी प्लस ए के भी इक्वल हो जाएगा। आपका यह मान क्या हो गया, प्राप्त हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों पांचवा क्वेश्चन जो है वह है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, यानी कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, और खाली स्थान में K
क्या संख्या भरी जाएगी, कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही आपको बताना है। तो बच्चों रिक्त स्थानों में आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा, यहाँ दो संख्याएं हैं, एक रिक्त स्थान में है और एक -12/7 है, बीच में बराबर का चिन्ह है और दाएं पक्ष में फिर से -12/7 है और एक नई संख्या है 5/-11। तो आपको क्रम में यह बताया गया था कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों तो इनका क्रम बदलने पर भी योगफल क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यदि इसे ए और इसे बी मान लें तो यही चीज़ आपको दी गई है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ए के स्थान पर क्या होना चाहिए 5/-11। तो इसे आप बिना हल किए केवल डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो 5/-11 यहाँ पर आपका फिलअप हो जाएगा, पहला रिक्त स्थान आपका पूर्ण हो गया। तो दूसरे को भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ तीन संख्या है, पहली है -10, दूसरी में रिक्त स्थान है और तीसरे में क्या है -7/12, और दाहिने साइड में यही -10 आपको यहाँ दिख रहा है, -7/12 भी यहाँ दिख रहा है और नई संख्या क्या है 5/6। तो जो नई संख्या होगी वही यहाँ भरी जाएगी, क्यों भरी जाएगी, उसका कारण है साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है, जहाँ ए बी सी क्या है, तीनों परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि परिमेय संख्याओं के योग में यदि हम तीन परिमेय संख्याएं लेते हैं और उनका समूहवार क्रम बनाते हैं तो उनका योगफल भी अपरिवर्तित रहता है, चाहे हम किन्हीं दो संख्याओं को लेकर के क्रम बना लें, समूह बना लें। तो यहाँ पर वैसे ही आपने देखा कि 10 और एक रिक्त स्थान वाली संख्या का समूह बना था और यहाँ 5/6 और -7/12 का एक समूह बना है। तो नई संख्या जो आपकी है वह क्या है 5/6, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो b कौन सी संख्या हो गई 5/6, तो b वाली संख्या ही यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 5/6, यानी कि 5/6। तो ये दोनों आपके पूर्ण हो गए, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों छठा प्रश्न जो है वह है सरल कीजिए का मतलब इन्हें हल करके आपको बताना है। तो यहाँ तीन परिमेय संख्याएं दी गई हैं 3/4, -8/9 और 5/8, इनका योगफल आपको ज्ञात करना है। वैसे ही सेकेंड पार्ट में -9/10, 22/15 और -13/-20। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि तीनों को एक साथ भी आप जोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप अगर आसान करना चाहते हैं तो दो दो का जोड़ा बना करके आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों हम तीनों को एक साथ कर लेते हैं, तो तीनों को एक साथ करने के लिए 4, 9 और 8 का एलसीएम लसअप आपको ज्ञात करना होगा। तो लसअप क्या मिलेगा बच्चों, 72 मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आता कि 72 कैसे मिलेगा तो रफली हम करके दिखाते हैं आपको। 4, 9 और 8 का लसअप निकालना है। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, दो बार में ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये 4 बार में, दोनों आप 2 से करें, यह एक बार में कटता है या नहीं कटता, यह दो बार में कटता है, पुनः 2 से करिए, ये नहीं कटा, ये एक बार में। अब आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 बार में कटेगा, फिर 3 से करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो लसअप जो प्राप्त हुआ वह क्या हो गया, ये हो गया 2 × 2 × 2 3 बार और 3 × 3 2 बार, गुणा कर दीजिए 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, 36 × 72, यानी कि 72 लसअप आपको प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, तो लसअप हमने क्या ले लिया 72। अब प्रश्न यह है कि 72 में 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो यदि आपको बड़ा पढ़ा नहीं आता या भागने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर संख्याएं आपके पास हैं, आपको भाग किससे देना है 4 से, तो ये 2 × 4 आप हटा दीजिए, बाकी जो बच रहा है उससे आप गुणा करेंगे, यानी 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 से यहाँ गुणा करना है, 18 × 3 क्या होता है 54, 54 आपने लिख दिया, फिर एक प्लस और माइनस आ गया तो आप क्या लेंगे यहाँ पे माइनस। अब फिर क्या करना है, 72 को 9 से डिवाइड करना है, 9 से भाग देना है, तो अब 9 कहाँ है, ये 3 × 3 = 9, इसे आपको हटा देना है, तो बचा क्या 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 = 4 × 8, 8 से आप गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 64, -64 आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 72 को 8 से भाग देना है, तो 8 आपका ये 3 बार जो 2 मिला है वही 8 है, 2 × 4 × 8, बचा क्या 9,
9 से आप गुणा करेंगे, 9 बचे 45, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 54। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह संख्या है धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, तो इस तरह के जोड़ में सबसे पहले आप धनात्मक संख्याओं को एक साथ जोड़ लेंगे, यानी जिन संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह है उन्हें एक साथ जोड़ना है। तो 54 और 45 आप एक साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद उसमें से आप 64 को घटा देंगे, तो 4 और 5 9, 5 और 4 9, यानी प्लस 99 माइनस 64 अपॉन 72। अब इन्हें आप घटा दें, 9 माइनस 4 5 एंड 9 माइनस 6 3, 35 अपॉन 72, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको यह विधि समझ में आ गई हो तो सेम प्रोसेस सेम विधि से आप इसको भी हल कर लेंगे। यहाँ आपको 10, 15 और 20 का लसा लेना होगा, तो 10, 15 और 20 का लसा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है 10 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी और 20 से भी, तो इसी प्रकार से इसे आप भी कर लेंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों यहाँ सातवां प्रश्न जो आपका है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो योग की संक्रिया के कितने प्रगुण आपने पढ़े हैं, 3 प्रगुण, पहला है समरक प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण और तीसरा साहचर्य प्रगुण। तो यहाँ जब आपको 3 संख्याएं दी हैं तो हम कौन सा प्रगुण का प्रयोग करेंगे, साहचर्य प्रगुण का। तो साहचर्य प्रगुण में आपको बताया गया कि यदि ए बी सी 3 परिमेय संख्याएं हों तो इनके समूहों का क्रम बदलने पर भी योगफल अपरिवर्तित रहता है, यानी हम इन 3 में से किन्हीं 2 का एक साथ एक योगफल ज्ञात कर लें और उस योगफल को तीसरी संख्या से योग करें तो योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें इनमें से किन 2 को एक साथ लेना होगा, यह देखने के लिए हम देखेंगे जिनके हर समान होंगे उन्हें हम एक साथ कर लेंगे, जैसे -5/14 और -11/14 है, तो इन्हें हम एक साथ लेकर के हल कर सकते हैं, इन्हें एक कोष्ठक में हम कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आप देखें बच्चों हर में क्या है, 14 है दोनों में, तो सीधे सीधे आपको जोड़ देना है अंश को, तो -5 और -11 जुड़ जाएंगे, 3/7 प्लस -11 -5 -16/14। ठीक है, अब इसे आप सरल भी कर सकते हैं, 16 और 14 दोनों किससे कट रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 8 जा और 2 7 जा, यानी 2 8 16 2 7 14। तो यहाँ आपको मिल गया 3/7 प्लस -8/7। अब पुनः क्या हो गया, दोनों का हर समान हो गया, आप सीधे सीधे अंश को जोड़ सकते हैं, तो आप ले लेंगे 7 और यहाँ मिल जाएगा 3 प्लस -8, तो ये आ गया आपका 3 - 8/7। 3 - 8 कितना होता है बच्चों, -5 - 5/7 मिल जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक भाग और दिया गया है, तो चलिए उसे भी हम देख लें उसमें किस प्रगुण का प्रयोग होता है। तो बच्चों यहाँ सेकेंड पार्ट जो दिया गया है वह है 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 परिमेय संख्याएं हैं जिनमें से 2 के हर 3 हैं और 2 के हर क्या हैं, 5 हैं। तो हमें समान हर वालों को एक साथ कर लेना है, उसके बाद उसे हम हल कर लेंगे। तो यहाँ प्रगुण कौन सा प्रयोग हो रहा है, साहचर्य प्रगुण, कि हम कई संख्याओं को अगर एक साथ लें और उनके समूहों का क्रम बदलें तो भी योगफल अपरिवर्तित होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये माइनस और माइनस आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसे आप लिखेंगे 2/5 प्लस, इस माइनस को आप ऊपर भी ले सकते हैं, तो -4/5। तो इनको हम एक साथ ऐड करेंगे और प्लस, यहाँ माइनस कैंसिल होने के बाद ये 8/3 हो गया और यह क्या मिला आपको, प्लस -2/3। अब एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, दोनों जोड़ों को आप अलग अलग हल करेंगे, इसके बाद जो योगफल आएगा उसे फिर से हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ दोनों के हर में 5 है, सीधे सीधे आप 2 - 4/5 कर देंगे, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, हर में 3 आ जाएगा और अंश में क्या हो जाएगा, 8 - 2। फिर से आप सिंप्लीफाई करें, 2 - 4 - 2/5 प्लस 8 - 2 क्या हो गया, 6 6/3। ठीक है बच्चों,
अब क्या करना है, इसे फिर से हम हल करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 मिला, 3 × 2 6, तो -6 हो गया, प्लस 15 / 3 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा, और 5 × 6 करेंगे तो 5 × 30। अब इन्हें आप और सरल कर दें, 30 धनात्मक है और 6 ऋणात्मक है, तो आपका जो उत्तर आएगा वो धनात्मक में आएगा, और 30 में से 6 आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 24 / 15। तो इसे आप और भी सरल कर सकते हैं, यह दोनों संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 3 × 8 = 24 और 3 × 5 = 15, यानी कि यह मिल गया 8/5। तो इसे आप मिश्र भिन्न में कर लें, 5 × 5 और 3 × 8, इस तरीके से 1 सही 3/5 इसका पूर्ण आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यह आपका अभ्यास 1B का सभी क्वेश्चनों का, सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल हुआ। तो बारी बारी से आपने देखा और समझा, तो बच्चों यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि आप सभी तक इसका सलूशन पहुंचाया जाए, और बच्चों यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं, जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें और मेरा प्रयास सफल हो सके। धन्यवाद।